बॉलीवुड के एक्टर अध्ययन सुमन, जो कि पिछले 15 सालों से इस फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, लेकिन इन 15 सालों में वो अपने एक्टिंग करियर की वजह से कंगना रनावत के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर काफी खबरों में रहे हैं। अध्ययन, जिन्होंने साल 2007 से लेकर 2009 तक कंगना रनावत को डेट किया था और फिर ब्रेकअप कर लिया था। हालांकि इस रिलेशनशिप को लेकर कंगना ने अध्ययन पर तमाम तरह के आरोप लगाए थे। अध्ययन इस दौरान तो कुछ नहीं बोले थे, लेकिन साल 2017 में उन्होंने कंगना के साथ अपने रिलेशनशिप को लेकर खुलकर बातें की थी। अध्ययन ने साल 2017 में कंगना के साथ अपने ब्रेकअप पर जानकारी दी थी। अध्ययन ने इतने सालों बाद अपनी रिलेशनशिप पर क्यों खुलासा किया, इस बात की जानकारी अभिनेता ने अब दी है। अध्ययन ने बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें अपने रिश्ते के बारे में बोलने पर कोई पछतावा नहीं है। उन्हें इसके बारे में वैसे ही बात की जैसे कोई भी इंसान करता है। उन्होंने इसके बारे में उस समय बात की थी जब लोगों को उनके पक्ष के बारे में पता नहीं था। अध्ययन ने कहा कि यदि आपको याद हो तो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की गई थी। मैंने यह कहकर कभी हंगामा नहीं मचाया कि मेरे साथ कुछ हुआ। यह केवल एक बार था जब मैंने उस व्यक्ति को सम्मान देते हुए ये बात कही थी। इसके अलावा अध्ययन ने यह भी कहा कि वो अपने रिलेशनशिप को लेकर पब्लिसिटी नहीं देना चाहते थे। अध्ययन ने कहा कि अगर मैं पब्लिसिटी का भूखा होता तो मैंने इसके बारे में 2009 में ही बता दिया होता, जब मैं रिलेशनशिप में था, ना कि 2017 में। इससे मेरे करियर पर क्या फर्क पड़ता है? आपको काम आपके अफेयर्स की वजह से नहीं बल्कि आपके टैलेंट की वजह से मिलता है। उस दौरान लोगों ने मेरी काफी आलोचना की थी, लेकिन जब उन्हें सच पता चला तो सब ने आकर मुझसे माफी भी मांगी थी। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब लहरें।